एक मित्र ने पूछा है कि गुरुजी मैं कब तक मुक्त हो पाऊंगा। बहुत श्रवण कर लिया, बहुत अभ्यास कर लिया, मगर मुक्त या बोध के अनुभव, मुक्ति या बोध के अनुभव अभी तक हुई नहीं, तो क्या मैं कभी भी मुक्त हो नहीं पाऊंगा? ये प्रश्न सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि सभी के मन में ऐसा लगेगा, कर तो बहुत लिया, सुन भी बहुत लिया, तो भी मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ ऐसा ही लगता। कभी कभी झलकियाँ आती है मगर स्थायी रूप से वो होती नहीं, तो इसका अर्थ क्या और प्रयास करने से होगा या होगा ही नहीं कभी, मेरे भाग्य में ही नहीं, तो क्या हो सकता है? मित्रों, अगर ये प्रश्न आपके मन में आएगा तो आपको कभी बोध या मुक्ति का अनुभव होगा नहीं, ये प्रश्न ही आपको बोध या मुक्ति से बचा के रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि हम परमात्मा से, बोध से, मुक्ति से अलग हम हुए नहीं कभी, परमात्मा से हम कभी अलग हुए नहीं, और हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि कब होंगे, इसीलिए प्रश्न गलत हो गया। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, अब आप प्रश्न पूछ रहे हो उस कमरे में पहुंचने के लिए मैं क्या करूं, तो आप गलत प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि कुछ करने की बात है ही नहीं, आप उस कमरे में हो ही, तो आपकी जेब में कोई चीज़ है और आप प्रश्न पूछ रहे हो कि उस चीज़ को पाने के लिए मैं क्या करूँ, तो प्रश्न गलत होगा, क्योंकि वो चीज़ तो आपके जेब में ही है, ऑलरेडी ही मिल चुकी है, अब प्रश्न करने की कोई बात नहीं, अब तो समझना है, जानना है कि वो क्या है। ओशो कहते थे एक भीखमंगा एक जगह पर बरसों तक भीख मांग के बैठता रहा, जब वो मर गया तब आसपास वालों ने उस मिट्टी को भी शुद्ध करने के लिए थोड़ा वहाँ गड्ढा खोद लिया, तो गड्ढे के अंदर उन्होंने पाया कि वहाँ हीरा जवाहरात का एक बक्स पड़ा था, बहुत सारा संपत्ति वहाँ था, और भीखमंगा उसी के ऊपर बैठ के भीख मांगता रहा। तो भीखमंगा ने कभी देखा नहीं कि उसके पास क्या है, उसके नीचे क्या है। सच में कहें तो हम सुन के कचौरे में भीख मांग रहे हैं, हमारे पास जो भीख मांगने का यंत्र है वो खुद ही बहुमूल्य है, अब हमने उसको पहचाना नहीं और हम भूल गए उस बात को, जैसे किसी ने परखा नहीं, किसी गरीब ने कहीं पर एक चमकता हुआ पत्थर पा लिया और वो हीरा था, मगर चमकता हुआ पत्थर देखकर भी उसको कुछ मूल्य उसमें दिखाई पड़ा तो उसने अपनी जेब में डाल दिया, अब वो गरीब है, वो अभी धनी बन सकता था अगर वो जान लेता कि उसके जेब में जो चमकता हुआ पत्थर है वो पत्थर नहीं हीरा है। तो ऐसे ही बात है, हम कभी भी परमात्मा से, बोध से, मुक्ति से अलग हो नहीं सकते। कब आप मुक्त होंगे इसका तो अर्थ ये होगा कि आप मुक्त अभी हो नहीं, बाद में जाकर कुछ करके आपको बोध, मुक्ति या परमात्मा इत्यादि मिलेगा, तो आपका प्रश्न ये बता रहा है, इसलिए प्रश्न गलत है। और आप कभी भी बोध, मुक्ति या परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, ये बात आप समझ लो। पहले हमको लगता है कि हम कुछ बिछड़े हुए हैं अस्तित्व से, कुछ अलग हैं, कुछ मैं है, कुछ हमारी पर्सनल जिंदगी है, कुछ हमारा पर्सनल पीड़ा है, हमको इस तरह लगता है, मगर अच्छे से देखना चाहिए क्या हम जुड़े हुए हैं या अलग हैं। हम अपने शरीर को देखें, क्या ये शरीर कोई अलग चीज़ है या अस्तित्व से जुड़ी हुई है, ये पृथ्वी में होती है, इसको होने के लिए आकाश होना आवश्यक होता है, हवा ऑक्सीजन होना आवश्यक होता है, अन्न आवश्यक होता है, पानी आवश्यक होता है, तो इन चीज़ों को मिला के ये शरीर बनता है, तो शरीर तो प्रतिपल जुड़ा ही है ना अस्तित्व से, शरीर में तो प्रतिपल सांस चल रहा होता है, अगर कुछ मिनट भी सांस ना चले तो शरीर खत्म हो जाए, तो शरीर
अस्तित्व से अलग होकर एक पल के लिए भी जी नहीं सकते। तो हम प्रतिपल सांस ले रहे हैं, तो आप जुड़ ही रहे हैं ना, आपका शरीर जुड़ ही रहा है, मगर आप सोच रहे हो कि मेरा शरीर कुछ अलग है, कुछ भिन्न है, मगर बात ये सच नहीं है। आपका शरीर प्रतिपल जुड़ रहा है, सांस ले रहा है, सांस के माध्यम से अस्तित्व से जुड़ा है, पानी अन्न के माध्यम से अस्तित्व से जुड़ा है, तो ये बात जुड़ी ही है। अब आगे जाकर जुड़ने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आप अभी वायुमंडल से जुड़े हुए नहीं हो तो बाद में जाकर कुछ करेंगे तो वायुमंडल से जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप अभी जुड़ रहे हो, पहले भी जुड़ते आ रहे हो, कभी भी आप अलग हुए नहीं, आपका शरीर अस्तित्व से कभी अलग हुआ नहीं, ऐसा ही आपका मन भी कभी अलग हुआ नहीं, ये भी समाज से जुड़ा हुआ है। शरीर वायुमंडल से जुड़ा हुआ है, मन समाज से जुड़ा हुआ है, भाषा से, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। तो जो लैंग्वेज हम जानते हैं, क्या वो बाहर की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज नहीं है? क्या हम मन में विचार करते हैं, क्या वो विचार वही विचार नहीं है जो और लोग भी करते हैं? हम सब लोग जुड़े हैं, विचारों से भी जुड़े हुए हैं, भावों से भी जुड़े हुए हैं, जुड़े ही नहीं हम चिपक ही रहे हैं। एक ही साथ हम सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं लोगों के बीच में, तो हम जुड़ ही रहे, हमारा मन भी जुड़ रहा है, हमारा शरीर भी जुड़ रहा है, और इनमें हम भूल गए, हम जुड़े हुए हैं अस्तित्व से, ये बात हम भूल गए। हमको लगने लगा कि मैं तो मैं हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो धनी हूँ, मैं तो सम्राट, मैं तो इस जात का हूँ, मैं तो उस जात का हूँ, मैं तो इस धर्म का हूँ। तो इस तरह आपने उस जुड़ी हुई चीज़ को मैं मान लिया, तो यही कारण आप भ्रम में पड़ गए, और यही कारण फिर आप जान नहीं पा रहे हो कि आप जुड़े हो। और प्रश्न इसीलिए आ रहा है कि आप कब जुड़े हैं? जुड़े ही हो, हर एक आदमी जुड़ा ही है, हर एक चीज से, अनंत से जुड़ा है। और आगे जाकर जुड़ने वाली बात नहीं है, मगर हमको इस तरह लगता है कि अभी तो जुड़ा नहीं, बाद में कुछ करके जुड़ सकता है, है ना। उस भिखारी को ये लगता है कि अभी तो मैं गरीब हूँ, कुछ करके मैं धनी हो सकता हूँ, भीख मांग के मैं धनी हो सकता हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं, भीख मांगूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो ये सोच रहा है। और ये भूल रहा है उसके नीचे जो बक्सा है उसके अंदर हीरा जवाहरात है, उस बात को भूल गया। और भूलने के कारण फिर उसको भ्रम में जीना पड़ा। तो हमारा भ्रम भी यही है, हम भी भूल गए कि हमारे पास जो अस्तित्व और जीवन है जुड़ा हुआ, वो एक हीरा जवाहरात है, वही परम पद है, वही संपत्ति का भी संपत्ति है, पद का भी पद है, आनंद का भी आनंद है, वही परम है। तो वो परम चीज से आप जुड़े हुए और आप भूल गए, और फिर से समझना चाहिए। तो समझने में कुछ समय लग सकता है ना। वो भिखारी कभी, कोई कोई भिखारी ऐसा हो सकता है कि वो कभी देख ले कि उसके नीचे क्या है, तो उस देखने में कुछ समय लगेगा। अभी वो देखना चाहता है तो अभी हो जाएगी बात, कुछ समय लगेगी। वो अगर अभी देखना चाहता है कि उसके पास क्या है, उसके जेब में जो चमकता हुआ पत्थर है, तो अभी वो देखे जाने कि ये तो हीरा है, बहुमूल्य है, और इससे तो मैं धनी हो जाऊंगा, तो इस तरह उसने हीरा को अभी देख लिया तो अभी धनी हो गया, है ना। और अभी देखा नहीं
तो कब फिर ये बात उसके दिमाग में आएगी और देखेगा, तभी वो धनी हो जाए। मगर इसमें समय अस्तित्व के तरह से लगता नहीं, क्योंकि अस्तित्व तो जुड़ा ही हुआ है ना, वो तो तैयार ही है मिलने के लिए। अस्तित्व मिलने के लिए तैयार है, उसकी तरह से कुछ समय लगेगा नहीं। इसलिए कब होगा की बात, अस्तित्व की तरफ से तो अब होगा, जब भी होगा अब ही होगा। और आपकी तरफ से अब कब कितना लगेगा ये जानना चाहिए कि आप कितने भ्रम में हो, आप कितने मानते हो अपने को, मैं कुछ हूँ, अलग हूँ और ये हूँ वो हूँ, और आप अपने भीतर के जो हीरा है उसको कितना पहचानते हो। अपने भीतर जो छिपा हुआ हीरा है तो उसको पहचानने में समय लगेगा, उस हीरा को आपको ढूंढना होगा अपने भीतर। तो यही ध्यान की विधि कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान से हम भीतर देखते हैं कि हम क्या है, हम जुड़े तो हैं ही, तो इस जुड़न का क्या आविष्कार है, इस जोड़ का क्या आविष्कार है, तो वो चीज़ हम जानेंगे। मगर तोड़ते जाएंगे चीज़ों को, अलग मानते जाएंगे अपने को, तो आप दूर होते जाएंगे। तो विश्लेषण आपको दूर ले जाएगी, संश्लेषण आपको पास लेकर आएगी, है। विश्लेषण का अर्थ होगा आप चीज़ों को भिन्न भिन्न करके उसके टुकड़े टुकड़े में उसको सोचेंगे। जैसे आप अपने बारे में सोचते हो तो टुकड़े टुकड़े में सोचते हो, तो आप क्या हो इस तरह आप सोचते नहीं कि जैसे आप हो। जैसे हमने बताया कि आप क्या हो, आप परमात्मा हो, तो आप अपने को परमात्मा की तरह कभी सोचते नहीं। हम अपने बारे में भी टुकड़ों में सोचते हैं, समग्रता में सोचते नहीं, है ना। हम अपने मन को व विचार को किसी एक घटना से प्रभावित हो जाएंगे और उसी से एक हो जाएंगे, छोटी मोटी बातों पर हम उलझ जाएंगे। तो शरीर में हम पैर को, हाथ को, आँख को अलग अलग तरीके से सोचेंगे, उसमें भी एक रूपता देखेंगे नहीं। तो मन को, विचारों को, सबको अलग अलग करके तोड़ तोड़ के आप देखते जाएंगे, तो आप इससे दूर होते जाएंगे समग्रता से। और परमात्मा है समग्रता, सभी चीज़ों का जोड़, सभी चीज़ों का अंतरतम, तो वो समग्रता है। तो समग्रता का अनुभव करना चाहिए अपने भीतर, मैं समग्र हूँ। क्योंकि आपका शरीर समग्र है, आपका शरीर ये जो दिख रहा है इतना ही नहीं है, आपके शरीर सूरज तक फैल रहा है, क्योंकि सूरज से ये पोषित हो रहा है। आपका शरीर वायुमंडल में फैल रहा है, वहीं का ऑक्सीजन आपके भीतर आ रहा है, आपका भीतर का ऑक्सीजन वहीं जा रहा है। तो आपका शरीर फैला हुआ है, विराट है ना। मगर आप मानते हो अपना शरीर को ये बहुत छोटा सा शरीर है और ये रीढ़ की हड्डी ही अनुभव में आती है आपको, या कैसे कुछ कंधे का बोझ, तो इस तरह का ही अनुभव होता है। तो आप क्षुद्र शरीर को देख रहे हो, है। तो पूरा शरीर क्या है आपका, उसको देखना चाहिए ना, तो ही आप भी विराट होंगे। शरीर इतना विराट है तो आप और भी विराट हो जाएंगे। तो विराट और समग्रता का बोध जो होता है उसी को कहते हैं, वो परमात्मा अनुभव है, वही मुक्ति का अनुभव है। और ये बात आने वाली, अब आने वाली नहीं है, ये बात घट ही चुकी है। इस स्थिति में हम है ही, हमारा शरीर ऐसा है ही कि ये सूरज तक फैला हुआ है, सूरज से भी इसका संबंध है।
सूरज के साथ भी इसका नाता है। तो बात तो है, अभी हो ही गई है मुक्ति, तो है ना, मुक्ति हो ही गई। हर एक आदमी मुक्ति में जन्म लेते हैं, सभी कुछ जुड़ा हुआ, अकेला कुछ बचाया नहीं उसको किसी ने मारने के लिए, है ना, उसका शरीर को जोड़ दिया सभी जगह पर और अनंत बना लिया, उसका विचारों को जोड़ दिया बाहर बहुत लैंग्वेजों से, तो विराट बना दिया। तो जीवन है मुक्ति, जीवन की तो मुक्ति घोषणा हो ही गई, आपकी मुक्ति की घोषणा करनी है ना। आप कब मानते हो ये बात को कि आप भी मुक्त हो, तो आपकी मुक्ति की घोषणा की कमी है इसमें। मित्रों आज के लिए इतना ही। आप मेरा प्राइवेट वीडियो सुनना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।